जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि पेटीएम के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए पेटीएम की कहानी तो अभी तक आपको पता लग गई होगी। बेसिकली मैं इसकी कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको, इसमें यह बताऊंगा कि यदि आप भी मेरी तरह इसमें ट्रेड ढूंढने की कोशिश करें, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि प्राइस काफी नीचे आ गया है, निचले लेवल पर हम उठाते हैं तो जब प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमें बेनिफिट थोड़ा बहुत हो सकता है। तो मेरे तरीके से यदि आप सोचते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सही जगह पे आ पाया है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे भी तो प्राइस में थोड़ी बहुत तेजी आज के दिन देखने को मिलने लगी है। ये तेजी भले 3% एक दिन में देखने को मिले, लेकिन अभी भी जब आप BSE इंडिया की वेबसाइट पर चलते हैं तो वहाँ पे आपको शॉकिंग न्यूज देखने को मिलती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शॉकिंग न्यूज क्या है। देखिए अभी हम लोग BSE इंडिया की वेबसाइट पर आ रहे हैं और यहाँ पर मैंने 197 यानी पेटीएम को ओपन किया हुआ है। ऑफिशियल नाम 197 कम्युनिकेशन, ये SM स्टेज 1 में है, चूंकि सभी की निगरानी चल रही है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भले यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन में तकरीबन 3% के आसपास उछाल देखने को मिला है, लेकिन वहीं जब नोटिफिकेशन में देखते हैं तो 3% के उछाल के साथ साथ ये स्टॉक आज 6 फरवरी के दिन आपको दिखेगा कि सबसे पूरे 52 वीक के सबसे निचले वैल्यू पे आज ये स्टॉक ट्रेड करते हुए आपको नजर आया है। यानी कि जो 3% के आसपास तेजी से स्टॉक में आपको देखने को मिली है, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि स्टॉक सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। क्या इसके भी नीचे प्राइस और जाएगा या अब इसके घूमने का मतलब समय आ गया, यहाँ से प्राइस घूम कर ऊपर जाएगा, चलिए इसको समझते हैं। देखिए गाइस, जब 197 कम्युनिकेशन यानी कि जब पेटीएम का IPO आया था, उस समय इसका जो टोटल वैल्यूएशन था वो तकरीबन 1,00,000 करोड़ के आसपास था। और अभी के समय में यदि इस कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप सिर्फ 29,000 करोड़ के आसपास रह गया, यानी कि 29,000 करोड़ से भी कम रह गया, यानी कि तकरीबन 1,70,000 करोड़ कंपनी का जो वैल्यूएशन है हवा में गायब हो गया है। इस कंपनी में ना तो इन्वेस्टर्स पैसा बना पा रहे हैं, ना ही कंपनी के प्रमोटर्स पैसा बना पा रहे हैं, ना खुद कंपनी के जो मालिक हैं विजय शेखर शर्मा वो इसमें पैसे बना पा रहे हैं। सभी को इस स्टॉक ने लॉस दिया। और सबसे कमाल की और शॉकिंग न्यूज आपको बताऊं, जो वॉरेन बफेट हैं, जिनको शेयर मार्केट का बादशाह कहा जाता है, वॉरेन बफेट तक को इस स्टॉक ने नहीं छोड़ा, उनका पैसा भी इस स्टॉक ने डुबाया था। वो भी लास्ट में 900 के करीब वो निकल गए थे इस स्टॉक में। जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ शेयर मार्केट में, तब से इन्वेस्टर्स को लगातार निराशा किया है और इन्वेस्टर के साथ साथ शेयर मार्केट में लोगों की जो उम्मीद होती है उसकी उम्मीद पर भी ये स्टॉक पानी फिरा है। लेकिन हम एज ए इन्वेस्टर, एज ए चलाक इन्वेस्टर, इसमें पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। चलिए मैं आपको टेक्निकल डाटा चार्ट पर लेकर चलता हूँ, यहाँ पर समझते हैं कि कहाँ पे हम एग्जैक्टली इसके प्राइस को उठाएंगे जहां पर हमें बेनिफिट हो सकता है। देखिए एग्जैक्टली बॉटम तो किसी को पता नहीं, प्राइस नीचे आया है और नीचे आके घूमने लगा, आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। तो जब तक देखिए इसमें दिमाग क्या लगाना है, जब तक प्राइस प्रीवियस हाई इसके पहले जहां पे सबसे नीचे लो बनाया था, देखेंगे हम लोग आगे, वहां के निचले जो हाई है उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर नहीं निकलता, तब तक इसमें एंट्री नहीं लेना। और अगर मेरी सजेशन आप मानेंगे तो कम से कम इस प्राइस को आप 500 तक आने दीजिए। 500 का जो लेवल होता है वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, और इसके ऊपर जब प्राइस निकलेगा इसके बाद हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे, और कम से कम बिजली 600 तक जाने के लिए इसमें हम लोग रेडी रहेंगे। मतलब शॉर्ट टर्म में 500 से 600 तक भी यदि प्राइस बढ़ता है तो ये कोई मतलब साधारण बात नहीं है, 600 पर इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है और बीच में कोई रुकावट नहीं है। तो 500 पर एंट्री लेते हैं तो इजीली इसका प्राइस आपको 600 तक आते हुए दिखेगा, बीच में घूमने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो यदि आप इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो आप प्लीज वेट कर लीजिए, प्राइस घूमने है घूमने। देखिए इसका क्या हुआ है कि अभी हाल ही में जो विजय शेखर शर्मा है उनका RBI के साथ मीटिंग हुआ है, जो भी इसमें गड़बड़ी पाई गई है उसकी रेगुलेटरी को लेकर उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे और उसको सही से चलाएंगे, इन्होंने बात को कर रहा है, जिसकी वजह से आज इसमें तकरीबन 3% के आसपास उछाल देखने को मिला है। तो अब जाहिर सी बात है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी और पेटीएम एक प्रतिष्ठित कंपनी, तो इतना जल्दी ऐसा नहीं कि डिलीस्ट हो जाएगा मार्केट से या डूब जाएगा, डूबेगा तो बिल्कुल नहीं। तो इन्हीं सब न्यूज के बदौलत प्राइस आपको घूमते हुए यहां से दिखा और प्राइस अब ऊपर जाने लगा है। ऊपर जाने दीजिए, प्राइस को 500 के करीब आने दीजिए, ज्यादा नीचे उठाने के चक्कर में फंसे वरना और ज्यादा तबाह मतलब हो सकते हैं। तो इतना लालच नहीं करना कि एकदम बॉटम पर पकड़ना है, हम थोड़ा महंगा उठाएंगे लेकिन कन्फर्मेशन के साथ उठाएंगे तो लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्राइस यहां से घूमने लगा है, आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, प्राइस को 500 तक आने दीजिए, बेशक महंगा मिलेगा लेकिन कन्फर्मेशन के साथ उठाएंगे और इजीली 600 तक लिए हमारा टारगेट रहेगा। और उसके बाद जहां प्राइस 600 तक आए तो फिर उस समय के मोमेंट के हिसाब से देखेंगे क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना रहेगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर लंबी अवधि के लिए भी जा सकते हैं। हालांकि पेटीएम में लंबी अवधि जैसी कोई चीज नहीं है, इसमें समय समय पर तो जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है हम देख ही रहे हैं, तो इसमें शॉर्ट टर्म में बस प्रॉफिट बुक करने पर हमें ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ 197 कम्युनिकेशन के बारे में जो क्विक अपडेट मैंने आपको दिया आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मन में कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।